अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ प्लस टू आर्ट्स। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चे हो, किवें हो तुसी? उम्मीद है तुसी सारे खैरियत नाल हो। प्यारे बच्चे हो, इस तो पहला मैं तुहानू एक वीडियो भेजी सी, जिस वीडियो दे विच तुहाडी पाठ पुस्तक काव्य यात्रा दे पहले कवि भाई वीर सिंह जी द्वारा रचित कविता त्रेल तुपका दी प्रसंग सहित व्याख्या बारे जिक्र किया गया सी। सो आज एक बार फिर तो मैं तुहाडा पंजाबी विषय का अध्यापक योगेश शर्मा एक होर विषय नू, एक होर कविता नू लेके हाज़र होया हाँ। कविता का नाँ है विसाखी का मेला, तो कवि ने लाला धनी राम चात्रिक। सो लाला धनी राम चात्रिक ने इस कविता जिसका नाँ है विसाखी का मेला विच बेसिकली पंजाबी सभ्याचार की एक झलक नू पेश कीता है, मेले के एक दृश्य नू पेश कीता है, विसाख महीने दे विच खिड़ी रौनक नू पेश कीता है कि किमें बनस्पति जिहड़ा है अपने भर जोबन ते है, चारे पासे हरियाली है, खुशहाली है, कणकां पक चुकियां हन, सोने रंगियां हो चुकियां हन, किसान जो हन अपनियां कणकां नू वढ के वेच के वट के लंबड़ा शाहां दा हिसाब कट चुके हन, ते चाई चाई जिहड़ा ने ओ पंजाब दे बड़े ही प्रसिद्ध मेले यानी कि विसाखी दे मेले दे विच जा रहे ने। सो कवि अपनी प्रेमी भाव अपनी पत्नी नू भी कह रहा है कि चल नी प्रेमीए, आपां भी विसाखी दा मेला वेखण चलीए। मेले दी रौनक जिस विच कि तरह तरह दियां दुकानां, कोई वंगां दियां, कोई चूड़ियां दियां, कोई गहनियां दियां, कोई रीबना दियां, कोई परांदियां दियां, कोई लैसां दियां, कोई हलवाइयां दियां, किते झूले ने, किते जोगियां मदारियां दे तमाशे लगे हुए ने, किसे पासे जिहड़े ने वो पहलवान कुश्ती कर रहे ने, दूर दूर तक मीलां तक जिहड़ा है ये विसाखी का मेला लग्या हुंदा है, ते ये पंजाबी सभ्याचार की एक अनिखड़वी निशानी है। ये त्यौहार वांगू मनाया जाता है इस मेले नू, पूरे पंजाब दे विच ही नहीं विश्व प्रसिद्ध है विसाखी का मेला। तो पंजाब दे विच खास तौर पर आनंदपुर साहिब विखे, अमृतसर विखे विसाखी का मेला जिहड़ा है बड़े जोश ते उत्साह दे नाल मनाया जाता है। विसाखी जिहड़ी है उसका एक इतिहासिक मनोरथ भी है, इतिहासक पक्षों भी धार्मिक पक्षों भी विसाखी का त्यौहार जिहड़ा है जां विसाखी मेले नू जिहड़ा है बड़े ही शिद्दत बड़े ही श्रद्धा भावना दे नाल भी मनाया जाता है। सो इस कविता दे विच विसाखी का मेला दे विच बेसिकली कविता ने कवि ने बड़े ही रोचक ढंग दे नाल कविता दे पैरियां नू एक्सप्लेन किया है। सो आओ मैं हुण सत्रां दी एक्सप्लेनेशन करन जा रहा हाँ। पहलियां सत्रां हन, पक गईयां कणकां लुकाठ रस्या, बूर पिया अंबां नू गुलाब हस्या, बागां उत्ते रंग फेरिया बहार ने, बेरियां लफाइयां टाणियां दे भार ने, पुंगरियां वेलां वेलां रुखी चढ़ियां, फुल्लां हेठों फलां ने परोईयां लड़ियां, साईं दी निगाह जग ते सवल्ली है, चल नी प्रेमीए विसाखी चलीए। हुण इस दे विच लुकाठ एक शब्द आया, लुकाठ हुंदा एक फल जो पक के पीले रंग दा हुंदा है अते स्वाद वजो खट्टा मिठा हुंदा है। गुलाब हस्या भाव गुलाब पूरी तरह खिड़ चुके हुंदे हन। लिफाइयां इत्थे शब्द आया जिसका मतलब हुंदा झुकियां होईयां। पुंगरियां भाव फुट्टियां फुल नवें पत्ते ते डोडियां लगणियां। रुखी भाव रुखां उत्ते, निगाह भाव नज़र, सवली भाव मेर वाली। सो सत्रां हन कि पक गई कणकां लुकाट रस्या, बूर पिया अंबां नू गुलाब हस्या, बागां उत्ते रंग फेरिया बहार ने, बेरियां लिफाइयां टाणियां दे भार ने। सो पहलियां सत्रां दे विच कवि ने कुदरत दी अपार बख्शिश नू बयान किया है कि किदां कुदरत भर जोबन दे विच है, ते लगता है कि परमात्मा लोकां उत्ते खुश है, इसलिए उन्होंने विसाखी के मेले का आनंद माणन लिए जाना चाहिए है। कवि लिखता है कि कणक की फसल पक के तैयार हो चुकी है। पहलियां सत्रां सी पक गई कणक लुकाट रस्या कि कणक की फसल जी पक के तैयार हो चुकी है। अंबां के बूटियां उत्ते बूर पै गया है भाव हुण अंबां के बूटियां ने फल देना
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਦਾ, ਬੂਰ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਲੁਕਾਠ ਰੱਸਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੁਕਾਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਵੀ ਟਹਿਕ ਮਹਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਖਿੜ ਗਏ ਨੇ। ਬਹਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਨੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰ ਖੂਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਸਦਕੇ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਰਛਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕੋਪਲਾਂ, ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਿਰਛਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਅਤੇ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਹੇਠ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਿਹਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਲਾਈਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਈਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜੱਗ 'ਤੇ ਸਵੱਲੀ, ਸਾਈਂ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਖਲਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਹਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਿੰਨੀ ਭਰ ਜੋਬਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਖਿੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਵਣਾਪਣ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ਼ੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਭਰ ਜੋਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਕਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਰੀਏ, ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਥਾਂ ਵਣਜਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੁੰਜਾਂ 'ਤੇ ਫੀਤੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਗਜਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੰਗਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੰਡੀ ਝੂਠੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਟੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਲਵਾਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਸੁਗਾਤਾਂ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ, ਹੱਟੀ ਹੱਟੀ ਸ਼ੌਂਕੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਖੱਲੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀਏ ਵਿਸਾਖੀ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵਣਜਾਰੇ ਭਾਵ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਪਾਰ? ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੁੰਜਾਂ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਲੈਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੀਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਬਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਾਂਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗਜਰੇ ਅਤੇ ਵੰਗਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਾ। ਗਜਰੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਵੰਗਾਂ, ਗਜਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਵੰਗਾਂ, ਝੂਠੇ ਗਹਿਣ ਭਾਵ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਗੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌੜੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਮ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਟੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਲਵਾਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਵਾਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਰਫੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਮਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੇਸਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸੁਗਾਤਾਂ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਹੱਟੀ ਹੱਟੀ ਸ਼ੌਂਕੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਖੱਲੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੱਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ, ਥਾਈਂ ਥਾਈਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਮਦਾਰੀਆਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਵੰਜਲੀ ਲੰਗੋਜ਼ਾ ਕਾਟੋ ਤੂੰਬਾ ਵੱਜਦੇ, ਛਿੰਝ ਵਿੱਚ ਸੂਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੱਜਦੇ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਰੌਲਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ, ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਵੱਜਦਾ, ਕੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਲੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀਏ ਵਿਸਾਖੀ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਘੂੜੇ ਭਾਵ ਝੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋਗੀਆਂ ਮਦਾਰੀਆਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆਂ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋਗੀ ਮਦਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਅਤੇ ਨਿਉਲੇ ਦਾ, ਬਾਂਦਰ ਅਤੇ ਜਮੂਰੇ ਦਾ, ਭਾਲੂ ਅਤੇ
यू नो जमूरे का तरह तरह के इस तरीके के तमाशे दिखाए जाते हैं मेले के वंजली लगोजा काटो तूंबा वजदे वंजली लगोजा जिहड़े ने संगीतक साज ने जिहड़े कि मेले के आम अखाड़े लगते हैं छोटे छोटे उन्होंने कोई वंजलियां बजा रहा बांसुरियां बजा रहा कोई अलगोजे बजा रहा कोई काटो बजा रहा कोई तूंबी बजा रहा कोई चिमटे बजा रहा कोई छैने बजा रहा है। छिंज विच सूरे पहलवान गजदे भाव छिंज हुंदा है जिथे कुश्ती हुंदी होवे जिथे दो पहलवाना दा आपस विच घोल हुंदा होवे उनू कहिंदे ने छिंज। छिंज दे विच पहलवान अपनी जोर अजमाइश कर रहे ने वह कुश्ती कर रहे ने कट्ठा होके आया रौला सारे जग दा पता नहीं पूरे जग दा रौला भाव इन्नी भीड़ जिहड़ी हुंदी है वह मेले दे विच पता नहीं कित्थों आउंदी है सारे ही लोग जिहड़े ने वह मेले दे विच हुंदे हन। इस दौरान भीड़ विच मोढ़े नाल मोढ़ा वजदा इन्नी भीड़ हुंदी है कि हर एक आदमी एक दूजे नाल खह खह के निकलता है वज वज के निकलता है। कोहां विच मेले ने जमीन मली है भाव दूर तक जिथे तक नज़र जाती है उत्थे तक मेले की जिहड़ी है भीड़ हुंदी है भाव इन्नियां लंबिया लंबिया कतारां इन्नियां लंबिया लंबिया दुकानां जिहड़ियां ने मेले दे विच लगियां हुंदियां हन। सो चलनी प्रेमीए असीं भी मेले का आनंद माणन चलीए। अंतला पैरा बाल बुढ़े गभरू मेले च आए ने टुंब टुंब रीझां ने सारे जगाए ने भांतों भांत दिल भांतों भांत माल ने टोल रहे आपो अपना ख्याल ने मेले दी बहार ए तिकाला तीके सौदा लै विहाज जिदी जो तौफीक है पलो पली विच होनी चलो चलीए चल नी प्रेमीए वसाखी चलीए। हुण गभरू भाव नौजवान रीझां भाव चा इच्छावां भाव उमंग माल भाव समान तिकाला भाव शाम विहाज भाव खरीदना तौफीक भाव हैसियत। सो इस मेले दे विच बाल बुढ़े गभरू मेले च आए ने भाव हर तरीके का हर उम्र का जिहड़ा व्यक्ति है इस मेले का आनंद माण रहा है भावें बच्चे ने औरतां ने आदमी ने राइट गभरू ने नौजवान ने ठीक है हर कोई मेले का आनंद माण रहा है। टुंब टुंब रीझां ने सारे जगाए ने हर किसी के दिल में अपन इच्छावां ने उमंगा ने रीझां ने भांतों भांत दिल भांतों भांत माल ने हर बंदे दी अपनी एक ख्वाहिश है अलग अलग किस्म का समान खरीदने की भांतों भांत दिल भाव हर बंदे का अपना एक यू नो एक रीझ हुंदी अपनी एक जिसके अकॉर्डिंग वो अपना समान खरीदता है। तुहानू भी मेले में जाके तरह तरह के शौक हुंदे कि तुसी आह समान खरीदो वह समान खरीदो इस तरीके नाल हर बंदे का अपना दिल हुंदा कि वह अपनी हैसियत के मुताबिक अपने यू नो जिन्हों आपां कहने अपनी जेब के मुताबिक जिहड़ा है मेले में जाके समान खरीदा है। टोल रहे आपो अपना ख्याल ने मेले की बहार तिकाला तीक है मेले का यह जिहड़ी रौनक है ये शाम तक इदा ही चली रही है शाम तक भीड़ इदा ही रही है सौदा लै विहाज जिदी जो तौफीक है हर बंदा अपनी तौफीक मतलब हैसियत विहाज मतलब खरीदना हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक अपना समान खरीद रहा हुंदा है। पलो पली विच होनी चलो चलीए बस पलां दो पलां दे विच ही ये मेला शांत हो जाएगा भीड़ इधर उधर हो जाएगी तो फिर साल बाद किते बाद फिर मुड़ीकां करन तो बाद मेला लगेगा तो पलां पलां दे विच ही सारी भीड़ उत्थों तितर बितर हो जाएगी। सो चलनी प्रेमीए असी भी इस मेले का आनंद माणिए। सो प्यारे बच्चियो लाला धनी राम चात्रिक की एक कविता विसाखी का मेला जिस विच कि कुदरत दे खेड़े दे बारे दस्या गया है बनस्पति दे बारे दस्या गया है कि चारे पासे बनस्पति किन्नी खिड़ जांदी है हरी भरी हो जांदी है कणकां किवें पक जांदियां ने फलां दे विच रस किवें पै जांदा है मेले दे विच किस तरीके की रौनक हुंदी है किस तरीके का भीड़ भड़का हुंदा केड़ियां केड़ियां दुकानां हुंदियां हन उस सारी एक्सप्लेनेशन मैं तुहानू पैरावाइज़ इस ऑडियो के थ्रू भेज रहा हाँ तुसी इस ऑडियो नू ध्यान नाल सुनना और बनदे पैरियां दी प्रसंग सहित व्याख्या की दोहराई जरूर करना। मैं दोबारा फिर तुहानू मिलांगा तद तक दे लई धन्नवाद।